बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सो चलिए दोस्तों, बिटकॉइन का क्विक एनालाइज करते हैं कि इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कितना ये पंप और कितना ये डंप हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी लास्ट वीडियो की, तो मैंने आपको इसमें 19,200 से बाय जोन बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो हमने टीपीज बताई थी 20,800 तक आपके सामने है, हमारी टीपीज अचीव हुई और ऑलमोस्ट जो मार्केट पम्प हुई वो 9 या 10% मार्केट पम्प हुई। ये देखें, यहाँ से हमारा बाय जोन था 19,200 और आपके सामने है तकरीबन 10% ओवरऑल मार्केट पंप हुई 9%। अगर आपने मेरी ये ट्रेड फॉलो करी थी तो इस वक्त आप एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अब बात करते हैं कि क्या इसको अभी होल्ड करना है या फिर इसको शॉर्ट करना है, इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम की। तो देखें, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमारे पास बन रही है बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न। तो इस पैटर्न को मैं कंप्लीट करता हूं, देन हम इसके आगे बात करेंगे कि इसकी टीपीज क्या हो सकती हैं, इसका बाय जोन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं, देन इसकी हम मजीद बात करेंगे। अब देखें, ये बन रहे हैं इसके दो बाय जोन। पहला जो बाय जोन हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 20,800, दूसरा जो बाय जोन आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 20,900 समथिंग या फिर 21,000। तो यहाँ से इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और इसके मैं पहले मैं पैटर्न कम्प्लीट करूँ, देन इसकी टीपीस और स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ। ये बन रहा है हमारा बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न और ये बने इसके बाय जोन। दोनों बाय जोन इस वक्त हमारे को अचीव हो चुके हैं और इसका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं तकरीबन 21,500 पे इसका स्टॉप लॉस आ रहा है। लेकिन आप स्टॉप लॉस इसका लगा लेना 21,900 या 21,800 के ऊपर, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है मार्केट एक वीक मारे, स्टॉप लॉस फिल करे, देन अगेन नीचे। और इसमें जो हमारी टीपीस हैं, टीपीस मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें जो हमारी टीपी वन है वो आ रही है तकरीबन 20,400 या 20,300 पे, टीपी टू इसमें है तकरीबन हमारी 19,900, देन टीपी थ्री हमारी आएगी 19,500 पे और TP4 हमारी आएगी तकरीबन 19,200 पे। ये इसकी TPs हैं और स्टॉप लॉस तकरीबन 21,900 के ऊपर है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये इसका एनालाइज है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ही रिस्की हो सकता है। अब देखें, इस रीजन में इसका बियर फ्लैग भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इन्वेलिडेशन पॉइंट हैं जिसके बिहाफ पे ये इन्वेलिड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बियर फ्लैग का कभी भी पॉल इतना छोटा नहीं होता। तो एज अ लॉक चार्ट या एज अ राइसिंग वेजेस इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वक्त ये अपनी राइसिंग वेजेस की या फिर बियर फ्लैग की रेजिस्टेंस के ऊपर है। ये देखें, मार्केट एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुई, अगेन यहाँ से रिजेक्ट, अगेन यहाँ से रिजेक्ट। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है। अब इसी तरह अगर इसमें हम कोई बेरिश डाइवर्जेंस फाइंड करें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे RSI का इंडिकेटर लगाता हूँ और देखें यहाँ पे हमें नज़र आ रही है बेरिश डाइवर्जेंस, हिडन बेरिश। ये देखें, यहाँ पे ये बन गई हमारी हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। तो तकरीबन 3 से 4 हमें मार्केट डंप होने का साइन मिल रहा है, मतलब ये कि मार्केट करेक्शन कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दे और ब्रेकआउट करने के बाद इसके अबफ आपको दे दे क्लोजिंग 20,900 या 20,800 के अबफ आपको मिलती है डेली क्लोजिंग,
उसके बाद मार्केट एटलीस्ट जाएगी तकरीबन 22,200 और 22,500 तक, और उस रीजन में हमारे कंप्लीट होगा बेरिश बैट पैटर्न ये देखें। तो अगर मार्केट इसके अबव क्लोजिंग देती है 20,900 या 800 के, तो देन यहाँ पे मार्केट आएगी और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा बेरिश बैट पैटर्न, जिसका जो बाय जोन बनेगा वो बनेगा 22,300 से। तो अगर आप इसमें अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आप वेट करें, या तो फिर मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर आपको ब्रेक डाउन दे राइसिंग वेजेस बना के, या फिर मार्केट यहाँ से पंप हो जाए। अदरवाइज अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो लिक्विडेशन है एटलीस्ट वो होनी चाहिए 1x ऊपर या फिर नीचे लॉन्ग या शॉर्ट करते वक्त। अब बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि उन्होंने किसी भी कॉइन को शॉर्ट या लॉन्ग करा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने इसको शॉर्ट करा 20,800 से, आपकी लिक्विडेशन आ रही होती है समटाइम 25,000 या 24,000 रुपये। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमारे मुताबिक चले, कभी कभार मार्केट हमारे अगेंस्ट भी चली जाती है, वहाँ से हमने डीसीए करना होता है। अब यहाँ से इसको आपने शॉर्ट करा 20,800 से, आपकी लिक्विडेशन है 24,500 या 24,000 रुपये, मार्केट आ गई तकरीबन 22,500 या समथिंग के ऊपर। यहाँ से जैसे आप डीसीए करोगे, डीसीए करने के बाद लिक्विडेशन आपकी आ जाएगी और करीब मार्केट ने एक वीक दी, आप हो गए लिक्विडेट। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 1x ऊपर या नीचे आपकी लिक्विडेशन होनी चाहिए, ताकि इजीली आप रिस्क फ्री होकर बाद में उसको डीसीए भी कर सको, उसको मैनेज भी कर सको। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट, इसको आप बार बार देखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।